डे 3 इन कश्मीर। मोस्ट प्रॉब्ली आज वापस जाएंगे जम्मू, या देखते हैं कोई एक दो लोकेशन कवर हो पाई तो करेंगे। बाकी शाम का प्लान है जाने का, अभी देखते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और बस। गाइस अभी हम आ चुके हैं लाल चौक श्रीनगर, यहाँ पे करनी है इन्होंने थोड़ी सी शॉपिंग और उसके बाद हम निकलेंगे घूमने की तरफ। क्या ये देखो गाइस, ऐसी सी मार्केट है ये, तो यहाँ घुस गए शॉपिंग करने। इतनी देर आओ, मैं आपको लाल चौक का चक्कर लगवाता हूँ। तो हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। गाइस वी आर हियर कुछ ऐसी सी लोकेशन पे, बहुत मस्त पीछे वैली का व्यू आ रहा है। एंड अभी थोड़ा सा स्टॉप लिया है, वो आ रहे हैं, वो थोड़ा पीछे रह गए। भाई तुम्हें पता, तुम्हारा हैवी ड्राइवर है, उठते हो हम आगे, थोड़ा जल्दी आगे आगे। एंड उनके लिए थोड़ा वेट कर रहे हैं, वो आ रहे हैं एंड उसके बाद जाएंगे। यार यहां पे यार सीट का बेड पॉइंट 3 ये देखो, और पीछे पहाड़ों का इतना मस्त व्यू आ रहा है, क्या बताऊं भाई, बहुत ही जिंदगी ऐसी जी। सो गाइस अभी आ चुके हैं हम गुलमर्ग में, ऐसे ऐसे सीन्स हैं यहाँ, कोई ऑप्शन नहीं है, घोड़े पे घूमना पड़ता है, पैदल तो आप थक जाओगे, बहुत बड़ा है ये, तो देखते हैं घोड़े का जुगाड़ करते हैं बीच से एंड उसके बाद दिखाते हैं आपको भी सीन। मस्त जगह है, वेदर बहुत सही है, क्लियर नहीं है बस, कल भी बारिश बारिश वाला था, बट जब स्काई क्लियर होना है यहाँ तो बहुत ब्लू ब्लू और बादल से वो बहुत सही लगता है। अभी है नहीं इतना, देखो जैसे वो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है वैसे पूरी स्काई होती है, अभी क्लियर नहीं है, बहुत बादल है। गाइस आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, ये देखो ये है केसर, इसके जो अंदर होते हैं वो उतार दिए हैं पत्ते, बट जितने भी हैं यहाँ और भी लगे हैं, काफ़ी जगह है बट अभी है नहीं इसमें। यहाँ क्या 5-6 चीज़ें तो बताइए, एक उसने हरी पैलेस बताया, एक ये चिल्ड्रन पार्क हो गया अपना, तीसरी पे हम जा रहे हैं, 5 लोकेशनें करते हैं फिर चलते हैं। ये ATV बाइकें कितनी चल रही हैं इधर, इनका रेट पता नहीं कितना होगा, बट अभी हम हैं गुंडोला के पास, यहाँ गोल्फ क्लब है और गोल्फ भी खेलते हैं यहाँ गर्मियों में बहुत, और सर्दियों में विंटर स्पोर्ट्स इतने होते हैं, स्कीइंग वगैरह के। यहाँ पे एक वो ट्रेनिंग कुछ सेंटर भी है कहीं, मजेदार जगह है यार। गुलमर्ग तो नाम है, ब्रांड है भाई, गुलमर्ग तो वर्ल्ड फेमस नाम है। अभी हम आ गए हैं महाराजा पैलेस, क्यों अब आए हैं तो इधर तक जाना नहीं है। तना बना थोड़ा सा व्लॉग, कहाँ है? हाँ गाइस मैं इसके थोड़ा साइड पे आ गया हूँ अभी पैलेस के, मुझे लगता है इन्होंने इसको लाइक कीप इट रॉ वाली चीज़ है, अभी तक देखो कुछ टूटा है तो शायद मतलब मेंटेन करना चाहिए, बट थोड़ा सा इसको इसके एक्चुअल फॉर्म में रखा है, टीन्स वगैरह ऑब्वियसली बाद में डाली होंगी, बट लुक्स गुड यार, बहुत सही लग रहे हैं, आलीशान एकदम ऐसे पहाड़ी के टॉप पे जहाँ से नीचे पूरे 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 शहर का व्यू दिख रहा है आपको यहाँ से, और यहाँ पे लोकेटेड है। वाह बहुत बहुत रॉयल फीलिंग आ रही है इस वक्त यहाँ पे, क्या बताऊँ, वो देखो नीचे पूरा शहर दिख रहा है और ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है, बहुत ज़्यादा गुलमर्ग में यहाँ सबसे ऊपर, अगर इसका भाई होटल बना दें और एक एक रात का इसका एक डेढ़ लाख ले लें, वैसे ज़्यादा ही लेंगे, 1.5 लाख में तो फिर तो बहुत लोग ले लेंगे इसको, मस्त।
वैसे भी मैं यहाँ रोड पे आ ही रहा था तो वो चेरी वाले लगे होते हैं ना, तो उनसे एक डब्बा लिया तो पता चला यहाँ गार्डन भी है एक, तो अब गार्डन में देखने आए हैं यहाँ क्या क्या लगा है। ये देखो एप्रिकॉट, वाओ है ही नहीं कहीं चेरी तो दिखने दी। ये री गाइज फाइनली ये अजान की आवाज़ थी, तो फाइनली इट्स टाइम टू लीव। अभी हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं यहाँ से, बस लाइक 8 बजने वाले हैं। जाम बहुत मिलने वाला है रास्ते में यार, बहुत मुशक्कत होने वाली है, मे बी पूरी ओवरनाइट ड्राइव करना पड़े, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस यार। जाना है आज, तो जाना ही है, सबको काम है यार अपने अपने, बाकी अब बिजी होने वाले हैं लाइफ में दोबारा। और बस इसी के साथ निकलेंगे यार मज़े से। अब खाना पीना पहले ही इसलिए कर लिया 8 बजे से पहले ही कर लिया कि बाद में रुकना ना पड़े। अब डायरेक्ट स्टॉप जम्मू, चलो।